नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 15 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला। बिहार में राजभवन मार्च के दौरान ग्राम रक्षा दल पर पुलिस का लाठीचार्ज, सेवा स्थायी करने की है मांग। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। बिहार में 8,853 नर्सों की होगी बहाली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया ऐलान। नीतीश कैबिनेट का फैसला, नगर निकायों के प्रमुख उप प्रमुख का सीधे चुनाव होगा। वित्त रहित कर्मचारियों को वेतन, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा है कि शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित हुए 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, ऐसे में उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने शरद यादव को 15 दिनों के अंदर दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अदालत 15 सितंबर 2017 को एकल पीठ ने याचिका पर फैसला आने तक शरद यादव को आधिकारिक सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। हालांकि जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के आंशिक रूप में संशोधित करते हुए कहा था कि वह अपने आधिकारिक आवास को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन वेतन और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे। मंगलवार को अदालत ने केंद्र सरकार के एक आवेदन पर यह निर्देश दिया, जिसमें सरकार ने दिल्ली में शरद यादव के कब्जे वाले एक सरकारी बंगले पर लगाई रोक को हटाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि शरद यादव को वर्ष 2017 में राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। शरद यादव ने वर्ष 2017 में राज्यसभा से अयोग्यता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि आदेश पारित करने से पहले उन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। वहीं राज्यसभा में जदयू नेता आरसीपी सिंह ने शरद यादव और उनके सहयोगी अली अनवर को इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, क्योंकि वे पार्टी के निर्देश के उल्लंघन कर पटना के विपक्षी दलों की एक रैली में शामिल हुए थे। बताते चले कि शरद यादव वर्ष 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और जुलाई 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राजभवन मार्च के दौरान ग्राम रक्षा दल के लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है। सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्रों ने राजभवन मार्च शुरू किया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस के रोके जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई पुलिस मित्र घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मानदेय और सेवा को स्थायी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र कारगिल चौक से राजभवन की ओर निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को जेपी गोलंबर पर रोक दिया। पुलिस के रोके जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में कई ग्राम रक्षा दल स पुलिस मित्रों को गंभीर चोटें भी आई है। बताते चले कि अपने मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल ने कई बार प्रदर्शन किया था, उस समय भी पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। ग्राम रक्षा दल स पुलिस मित्रों ने पिछले दिनों सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया था। लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ऐसे में ग्राम रक्षा दल स पुलिस मित्रों ने राजभवन मार्च के जरिए अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। बिहार चयन परिषद ने सिपाही भर्ती को लेकर अपनी फायरमैन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है। बता दें कि फायरमैन भर्ती 2021 के लिए परीक्षा 27 मार्च 2022 को होने वाली है। कैंडिडेट इस लिंक पर क्लिक कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीएसबीसी ने कई दिन पहले सूचना दे दी थी कि अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड 15 मार्च 2022 से उपलब्ध होंगे। आप कैंडिडेट csbc.bih.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि बिहार फायरमैन भर्ती एग्जाम का आयोजन 27 मार्च 2022 को दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा दिन के 10 बजे से 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जाएगी। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और अपने एक वैध आईडी प्रूफ साथ में लेकर अनिवार्य जाना होगा।
बिहार में 8,853 नर्सों की बंपर बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात का ऐलान किया है। विधान परिषद में जेडीयू के संजीव श्याम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये बातें कही है। विधान परिषद में मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य उप केंद्रों पर 2-2 ANM का पद स्वीकृत है, जहां 1-1 ANM कार्यरत है, जो कोविड प्रबंधन के साथ टीकाकरण व अन्य कार्यों में लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जल्द ही 8,853 ANM की नियुक्ति होगी, जिसके बाद ANM की संख्या बढ़ेगी, जिसके बाद उपकेंद्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार आएगी। नियुक्ति के बाद इतनी बड़ी संख्या में नर्स आ जाएंगी तो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उनकी पदस्थापना की जा सकेगी। मंगलवार की शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के लिए नियम बदलने का फैसला ले लिया गया है। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पैसे जारी करने का भी निर्णय किया गया है। सरकार ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक और इंटर पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए भी पैसे देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में 3 स्तर के नगर निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम के प्रमुख मेयर होते हैं तो उप प्रमुख डिप्टी मेयर। इसी तरह नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब तक इन पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, यानी पहले वार्ड का चुनाव होता था जिसमें वार्ड पार्षद या काउंसलर चुनकर आते थे और वो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते थे। सरकार ने अब तय किया है कि इन पदों के लिए अब जनता सीधे वोटिंग करेगी। जनता अपने नगर निकाय के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट करेगी। कैबिनेट ने सरकार के इस फैसले पर आज मुहर लगा दिया है। नीतीश सरकार ने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला कर रखा है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए पैसे जारी करने का फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है। बिहार विधान परिषद में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि पश्चिमी चंपारण के ठकहारा, पिथहा, बगहा सहित अन्य जगहों के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच मुख्यालय स्तर पर होगी। अगर इस निरीक्षण में सदस्य भी जाना चाहें तो वह जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि CDPO की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई हो रही है। राज्य में 55 CDPO के पद खाली है, इसकी बहाली जल्द होगी। लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि पद रिक्त होने के कारण 1 CDPO को अधिक जगह के प्रभार में रहना पड़ता है, लेकिन इससे केंद्र के संचालन पर कोई असर नहीं है। सभी केंद्र सही ढंग से चल रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसी भी सदस्य किसी केंद्र की जानकारी देना चाहते हैं तो हम उस केंद्र की जांच भी जरूर कराएंगे। बिहार के विधान परिषद में गुरुवार को प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने राजद के रामचंद्र पूर्वे की ओर से अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए संकल्पित है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में 74 साइबर क्राइम और स्पेशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इससे अनुसंधान के लिए जरूरी उपकरण भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी घटनाओं के हॉटस्पॉट की चिन्हित कर कांडों के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की है। वहीं कई संगठित गिरोहों को पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक 2,587 पुलिसकर्मियों और लोक अभियोजकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर गुरारू रेलवे स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह लूप लाइन पर बम मिलने से हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि बंद के दौरान नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बम को डिफ्यूज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान करीब 4.25 घंटे तक रेल लाइन पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। भाकपा माओवादी ने गुरुवार को मगध बंद का ऐलान किया था। इस बीच सुबह 10 बजे पटरी पर बम मिलने की सूचना पर रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल दोनों तरफ से ट्रेनों का परिचालन को रोक दिया गया था। गुरारू रेलवे स्टेशन के समीप लूप लाइन की पटरी पर रखे काले रंग के प्लास्टिक बम में 2 तार निकले हुए थे। सूचना के बाद मौके पर टिकारी DSP गुलशन कुमार के अलावा गया RPF के कमांडेंट मनोज कुमार चौहान, रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, रफीगंज पोस्ट इंस्पेक्टर RN मुर्मू, सब इंस्पेक्टर इंदल कुमार मंडल सहित STF व CRPF की टीम पहुंच गई। इसके कुछ देर बाद बम निरोधक व डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई। बम निरोधक दस्ते के पहुंचने के बाद बम को डिफ्यूज करने की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर 1:22 पे बम को डिफ्यूज किया गया। बम डिफ्यूज होने के बाद 1:44 पर इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। टिकारी DSP गुलशन कुमार ने कहा कि
एसटीएफ व सीआरपीएफ टीम को कोऑर्डिनेट कर संदिग्ध बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। विस्फोटक पदार्थ की जांच कराई जा रही है। बीते 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाली गंगा नदी बेसिन का एरियल सर्वे का काम रविवार को पूरा हो गया है। इसके बावजूद भागलपुर हवाई अड्डे पर सर्वे टीम की गतिविधियां जारी रही। हवाई अड्डे पर 10 दिन पहले पहुंचे चार्टर प्लेन में मंगलवार को उड़ान नहीं भरा, वहीं एक और दूसरा चार्टर प्लेन मंगलवार को भागलपुर के हवाई अड्डे पर लैंड किया। सूचना मिली है कि सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सपोर्ट के लिए दूसरा विमान जरूरी सामान लेकर पहुंचा है। सर्वे अधिकारी रघुराम वर्मा ने बताया कि भागलपुर के बाद अब पटना रीजन के गंगा बेसिन में एरियल सर्वे शुरू होगा। भागलपुर रीजन का काम पूरा हो गया है। पटना रीजन में दूसरे विमान से सर्वे होगा। पहले विमान का मेंटेनेंस के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है। इस विमान से कोलकाता रीजन के गंगा बेसिन में शेष सर्वे का पूरा काम किया जाएगा। एरियल सर्वे के दौरान गंगा नदी समेत इसके दोनों ओर 10 किलोमीटर तक फोटो लिया गया है। बीते एक सप्ताह के दौरान भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, नवगछिया अनुमंडल, कटिहार, पूर्णिया, साहिबगंज से सटे गंगा बेसिन का एरियल सर्वे किया गया था। यह सर्वे बांग्लादेश के सुंदरबन, कोलकाता, बंदरगाह, साहिबगंज, भागलपुर, पटना, प्रयागराज व हरिद्वार होकर गोमुख ग्लेशियर तक हो रहा है। बिहार में इसी सत्र से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम 2020-25 सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा दिलाई जाएगी। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक को दिशा निर्देश दिया है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद द्वारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी दिया जाएगा, ताकि छात्र छात्राओं को हिंदी में भी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना